नमस्कार, मैं हूँ विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी पिछले महीने की 13 तारीख को चोराड़ी गांव का एक बच्चा जो बाकरा के आदर्श स्कूल में पढ़ता था, उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया था। शायद वो घटना आपको याद होगी क्योंकि हमारे चैनल पे भी हमने वो दिखाया था। और सुसाइड करने से पहले उसने वीडियो बना के स्कूल पे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि आदर्श स्कूल का एक टीचर और प्रशासन उसको मजबूर कर दिया है, उसको इतना कि उसे मरना पड़ रहा है और वो जीना नहीं चाहता। स्कूल आने के वजह और घर खान परेशान करने के वजह और भी सुनने के वजह कर जाऊँ। अब मेरा कंट्रोल ऐसा ही कुछ उसने वीडियो बना के और आत्महत्या कर ली थी। शायद 14 तारीख को उसकी डेथ हो गई, 13 को उसने सुसाइड किया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां इलाज के दौरान 14 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। उसके चाचा जी और उसके पिताजी मेरे साथ हैं और आज यहां दोबारा मेरा आने का मकसद ये था कि इतने दिन निकल जाने के बाद में भी मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। और इन लोगों का आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है वो खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और एक आपसे ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे धन बल और राजनीतिक रसूख हो वहाँ से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। वो लोग इसी तरीके से आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, लेकिन ना पुलिस प्रशासन की बात है, चाहे राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, कहीं से भी आप न्याय की उम्मीद नहीं रख सकते। और वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। अपन इनसे जानते हैं कि पूरा किस तरीके से मामला था। तो क्यों 31 तारीख ना तो घटना हुई, फिर के घटना 14 नवंबर ने हुई साहब, फिर थे के गिर 15 नवंबर को FIR दर्ज करवाई। अच्छा। तो 8-10 चक्कर काटाया थाना का साहब, कोई सुनाई कौन कर रहा हमारी। और पाछे में SP जाऊँ जब थाना में कार्रवाई नहीं हुई, फिर ते के करो, फिर मैं SP कन गया साहब 24 तारीख को। अच्छा, ये 24 दिसंबर कलेक्टर और SP के पास। हाँ। तो वहाँ 2-3 दिन का नाम लिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई ज्ञापन वगैरह दिया? हाँ, 2 ज्ञापन दिया। जो इन्होंने ज्ञापन दिया है वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। इन्होंने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस, जिला SP को, दोनों को ज्ञापन सौंपा है कि अभी तक इनके इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नामजद रिपोर्ट है, नाम के साथ ही है। नाम के साथ रिपोर्ट है। अच्छा। और रिश्तेदारों पर दबाव बना रहे हैं कि मामले को रफा दफा, इसको लाड़ा दबाव बना रहे हैं साहब। अच्छा। हर रिश्तेदार आंगन जाके दबाव बना रहे हैं कि मामला सलटाओ। अच्छा। यह दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। और अभी जाते ज्ञापन दियो SP ने तो बतान के कहो, वह 2-3 दिन को नाम लियो कि 2-3 दिन में आपको न्याय मिलेगी। अच्छा। अभी तक की कार्रवाई हुई? फिर कुछ ही कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कोई। अच्छा। आज 5 या 6 दिन होगा ज्ञापन? हाँ, 5-6 दिन होगा, 24 तारीख को दिया था सर। तो अगर अब भी कठों कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्या करोगा? तो साहब अब तो एक ही उपाय है, मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा साहब, बन ज्ञापन और सौंपूंगा, जिसके बाद हम क्या कार्रवाई करें। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जिला पुलिस की बात कर लें, प्रशासन की बात कर लें, आज इतने दिन निकल जाने के बाद भी जो एक गरीब और पीड़ित परिवार है अपने बच्चे को खो देने के बाद सिर्फ न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के पास जाके जो आरोपी हैं वो समझौते का दबाव बना रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आज हमारा जो प्रशासन है वो इतना निठल्ला हो चुका है कि उससे आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और ख़ास करके उस मामले में जहाँ पे सामने वाला धनबल में मजबूत हो और उसका राजनीतिक रसूख हो, तो आपको न्याय की उम्मीद बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। आपके साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ये जो वीडियो है और ये सारा घटनाक्रम है, ये आप अगर प्रशासन तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इस पीड़ित परिवार के साथ अगर आप खड़े होंगे तो हो सकता है कि इनको न्याय मिल जाए। जैसा ये बता रहे हैं कि अगर SP से इन्होंने ज्ञापन दिया है SP को और वहाँ से भी इनको अभी तक तो कोई कार्रवाई का परिणाम नज़र नहीं आया। इनका आगे का स्टेप ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हो सकता है कि आपको उम्मीद है कि वहाँ अगर जाओगे तो कुछ हो? बिल्कुल हो सकता है साहब, अगर वो ना करें तो वो ही कर सकते हैं।